Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 6, division. In previous video, I had explained you question 1 and 2 of exercise 6.1. In today's video, I am going to explain you question 3 of exercise 6.1. So let's start. Your question is, solve the following by repeated subtraction. So repeated subtraction मैंने आपको बताया था बेटे, repeated subtraction हम division के लिए भी use करते हैं, और question 2 में मैंने explain भी किया था आपको, तो same format हम यहाँ पर use करेंगे. Your A part is 32 divided by 4. अब हमें इसमें divide नहीं करना है, repeated subtraction means A की number को बार बार हम subtract करेंगे, तो उसको हम repeated का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही काम. ठीक है, सो 4 को हम हमारा जो डिवीजर है बार बार डिवाइड करेंगे, मीन सबट्रैक्ट करेंगे, जब तक हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो ना आ जाए. ठीक है, सो योर डिविडेंड इज 32 माइनस 4. ठीक है, सबट्रैक्शन बोला ना, तो इसलिए माइनस 4 लिखा है मैंने डिवीजर को, जो आपका डिवीजर था. अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 में से 4 सबट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम बोरो करेंगे, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 12. सो 12 माइनस 4 इज 8, नेक्स्ट आपका 2 आ जाएगा 28. अब हमें रिपीट करना है इसी स्टेप को, अगेन माइनस 4, 8 माइनस 4 4, और यहां पर मींस आपका 0 है, आप 0 पुट भी कर सकते हैं. 2 माइनस 0 इज 2, 24 आ गया. फिर हम रिपीट करेंगे, माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0, नेक्स्ट 2, फिर रिपीट माइनस 4, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो आप बोरो करेंगे, दिस विल बिकम 10 और ये आपका बन जाएगा 1. सो 10 माइनस 4 इज 6 और ये आपका 1 आ गया. ठीक है, अब 16 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, then 1. ठीक है, इसको अब हम यहां कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, 12 में से अगेन हम माइनस 4 करेंगे, सो 12 माइनस 4 मींस आपको यहां से बोरो करना पड़ेगा, ये आपका 12 बन जाएगा और ये 0. 12 माइनस 4 इज 8, अगेन हम रिपीट करेंगे स्टेप को, 8 माइनस 4 इज 4, then अगेन माइनस 4, 4 माइनस 4 0. तो मैंने आपको बोला था हमें कब तक माइनस करना है, जब तक हमारे पास जो हमारा आंसर है वो जीरो ना आ जाए. ठीक है, सो आपने देखा हर बार मैंने माइनस 4 किया है, सो इट मींस मैंने एक ही स्टेप को बार बार रिपीट किया है. अब हम इसका डिवीजन फैक्ट बनाएंगे. सो हमने क्या लिखा था, 32 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर क्या आएगा वो हम काउंट करेंगे, दिस इज 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, then 6, 7 and 8. So 4 की टेबल में 32 कहां पर आता है, 8 टाइम्स पर, और आपके आंसर में भी 8 आ रहा है. So it means आपकी जो repeated subtraction है वो आपने बिल्कुल ठीक की है. ठीक है, now come to the C part, 45 divided by 9. ठीक है, so इसके लिए हम दोबारा divide करेंगे, 45 हमारा क्वेश्चन के सबट्रैक्ट, तो माइनस 9 जो आपका डिवीजर है. ठीक है, 5 माइनस 9 नहीं हो सकता है, सो आप बोरो करेंगे, दिस विल बिकम 3 और ये आपका क्या बन गया, 15. ठीक है, सो 15 माइनस 9 इज 6 और नेक्स्ट क्या आ गया आपका 3, फिर अगेन माइनस 9, अगेन 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो आपको बोरो करना पड़ेगा, 2 एंड 16 माइनस 9 इज 7 और नेक्स्ट 2, अगेन डू द माइनस 9, ये आपका 17 बन जाएगा और यहां से हमने बोरो किया है तो ये 1 बन जाएगा, 17 माइनस 9 इज 8 और ये 1 आपका एज इट इज आ गया, अगेन डू द माइनस 9, 9 और लास्ट स्टेप आपका, इसके बाद आपके पास आंसर क्या आ गया,
जीरो, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। सो आपका आंसर क्या आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 फाइव्स आर 45, ठीक है। सो आपने यहां भी चेक किया और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी चेक किया, दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा है। कम टू द एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या है, 40 डिवाइडेड बाय 10। सो इसके लिए हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है एवरी टाइम, ठीक है। 40 माइनस 10, 0 माइनस 0, 0 आ गया, 4 माइनस 1, 3, अगेन आपका माइनस 10 होगा, 3 माइनस 1 इज 2, नेक्स्ट अगेन माइनस 10, 0 माइनस 0, 0 आ गया, 2 माइनस 1 इज 1, अगेन द लास्ट स्टेप 10 माइनस 10, 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। नाउ वी विल काउंट द स्टेप, दिस इज योर 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इसको भी चेक कर सकते हैं, 10 की टेबल में आपका 40 कहां पर आता है, 10 4s are 40, और आपका यहां पर भी 4 टाइम्स पर आ रहा है, सो इट मींस आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है आपने, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। इस वीडियो के बेसिस पर आप रेस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।